सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल लर्नमोट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। वेलकम फ्रेंड्स, सो स्वागतम दोस्तों। नवजात शिशुओं तथा बच्चों में इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही कम होती है, जिस कारण से वे बीमारियों से नहीं लड़ पाते और जल्दी बीमार हो जाते हैं। इसी कारण से बच्चों को टीके लगाए जाते हैं, जिसे टीकाकरण तथा वैक्सीनेशन कहते हैं। और यदि किसी बच्चे को टीकाकरण नहीं करवाया जाता है तो उस बच्चे को बड़ी घातक बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे उसमें विकलांगता भी आ जाती है और उसकी डेथ भी हो सकती है। इसी कारण से बच्चों में टीकाकरण करवाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अब यहाँ पे यह जानना जरूरी हो जाता है कि बच्चों में कब टीका लगाना चाहिए, कौन सा टीका लगाना चाहिए और कितने गैप से टीका लगाना चाहिए, साथ ही कितनी उम्र तक लास्ट टीका लगता है। तो इन्हीं बातों को मैं इस वीडियो में कवर करूँगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप के अंत तक देखें। मैं हूँ आपका होस्ट मोहित आदिश, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। चलिए आज भी कुछ नया सीखते हैं। बच्चों में जो पहला टीका लगता है वो उसके जन्म के साथ में ही लगता है। जब बच्चे का जन्म होता है तो उसे दो प्रकार के टीके लगाए जाते हैं, पहला है BCG वैक्सीन और दूसरा है हेपेटाइटिस बी का, और इसके साथ में उसे पोलियो की दो ड्रॉप भी पिलाई जाती है। और यदि किसी कारण से BCG का वैक्सीन जन्म के समय नहीं लगा पाए तो उसे एक साल के भीतर भीतर लगा सकते हैं, और साथ ही हेपेटाइटिस बी का भी अगर टीका नहीं लगा पाए तो 24 घंटे के मध्य उसको लगाना आवश्यक होता है। और जो इसके अगला टीका है वो बच्चे को 1.5 महीने का होने पर, मतलब जब बच्चा 6 सप्ताह का हो जाता है उस समय लगाया जाता है। उसमें बच्चे को पेंटावेलेंट नाम का एक टीका रहता है, वो लगाया जाता है, जो 5 बीमारियों को एक साथ में रोकता है, जैसे कि डिप्थीरिया, टिटनस, वूफिंग कफ, पोलियो और HIV डिजीज। इन 5 बीमारियों को एक पेंटावेलेंट टीका अकेला रोकता है। और इसके साथ में IPV का टीका लगता है और जो पोलियो की ओरल वैक्सीन है वो पिलाई जाती है। और 1.5 महीने में जो जब 6 सप्ताह का बच्चा हो जाता है तो उसे रोटा वायरस की वैक्सीन भी 2 से 3 बूंदें पिलाई जाती है। और 1.5 महीने के बाद जो नेक्स्ट टीके का क्रम है वो 2.5 महीने का, जब बच्चा 10 हफ्ते का हो जाता है तब उसे लगाया जाता है। उस समय में भी पेंटावेलेंट की जो दूसरी डोज है लगेगी और उसके साथ में उसको पोलियो की ओरल वैक्सीन और रोटा वायरस की ओरल वैक्सीन पिलाई जाती है। अगले जो टीके की डोज है वो लगेगी बच्चे को 3.5 महीने का होने पर, मतलब जब बच्चा 14 सप्ताह का हो जाता है तब उसे लगती है। उसमें पेंटावेलेंट की जो तीसरी डोज है वो बच्चे को लगेगी, साथ ही IPV का इंजेक्शन भी उसे लगेगा, और पोलियो की वैक्सीन उसे ओरली पिलाई जाएगी, रोटा वायरस की जो वैक्सीन है वो भी 2 से 3 बूंद उसे पिलाई जाएगी। ये 3.5 महीने का बच्चा हो जाता है उस समय। अब जो उसकी अगली डोज रहती है, जब 9 महीने बच्चा पूर्ण कर लेता है उसके बाद में लगाई जाती है। इसका जो ड्यूरेशन रहता है 9 महीने से लगाकर 12 महीने, मतलब 3 महीने के भीतर आपको लगाना होता है, और इस समय सिर्फ एक ही इंजेक्शन लगता है, वो मीजल्स का टीका है। तो ये शुरू जन्म से लेकर 12 महीने तक अलग अलग टीके लगाए जाते हैं। पहले जो टीका का क्रम है 1.5 महीने में, फिर 2.5 महीने में, 3.5 महीने में, और फिर 9 महीने पूरे होने के बाद में। अब जब बच्चा 1 साल पूरा कर लेता है तो उसे दूसरी साल में जो टीके लगते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। जब बच्चा 16 माह की उम्र से 24 माह की उम्र में होता है तो उसे DPT का एक टीका लगता है, और उसके साथ में उसे पोलियो की जो ओरल वैक्सीन है वो पिलाई जाती है, और मीजल्स का टीका भी उसी समय उसको लगता है। दोस्तों, जब बच्चा 16 महीने का होता है और 24 महीने का, जो आपको ये 6 से 7 महीने मिल रहे हैं टोटल, इनमें आप लगा सकते हैं, ऐसा नहीं 16 महीने होते आपको लगाना होता है। और उसके बाद जब 2 साल का टीका आपको DPT का, मीजल्स का लग जाए, तो अगली जो डोज रहती है 5 साल से 6 साल की जब उम्र बच्चे की होती है उस समय लगाया जाता है, वो सिंगल टीका ही लगता है, वो DPT का लगता है। और 6 साल की उम्र के बाद जब बच्चा 10 साल की उम्र का होता है तब उसे TT का एक इंजेक्शन लगता है, और जब 16 वर्ष की उम्र का होता है तो उसे एक और TT का इंजेक्शन लगता है। तो ये क्रम है इसके वैक्सीनेशन का, टीकाकरण का। और जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे के जन्म के साथ एक कार्ड आपको दिया जाता है, उसमें कंप्लीट डिटेल लिखी हुई होती है, तो इसे देखकर आप जरूर से सब टीके लगाएं, क्योंकि टीके लगाना बहुत ही आवश्यक होता है, ये बच्चे को बहुत ही घातक बीमारी से बचाता है। और इन सभी टीकों के साथ में हर 6 महीने के अंतराल से बच्चे को विटामिन ए की खुराकें दी जाती है, और टोटल खुराक 9 दी जाती है। जब बच्चा पहली खुराक लेता है तो उसकी आयु 9 महीने से 12 महीने की होती है लगभग। जब बच्चे को मीजल्स का टीका लगता है लास्ट वाला, तो उस समय ये डोज देनी शुरू होती है, और हर 6 महीने के बाद में उसे टोटल 9 डोज दी जाती है विटामिन ए की। तो ये आप देना नहीं बोले, जिससे कि उसकी आंखें बिल्कुल ही ठीक रहें।
तो ये इसका शेड्यूल है टीकाकरण का। और जो टीका है सरकारी अस्पताल में कंप्लीट रूप से फ्री मिलते हैं, आपको किसी प्रकार के पैसे देने की आवश्यकता नहीं होती। और आप अगर चाहें तो इसे आप प्राइवेट हॉस्पिटल में भी लगा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको कुछ पेमेंट करना पड़ेगा।